मैं सुप्रसिद्ध गांधीवादी और भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रही महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सुशीला नैयर जी का जिक्र करना चाहूँगी, जो इसी संस्थान की विद्यार्थी थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सुशीला बेन ने सेवाग्राम के कस्तूरबा गांधी जी ने के नाम पर एक अस्पताल की शुरुआत की थी। उन्होंने गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन से जुड़कर लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे। सुशीला जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अमेरिका से डॉक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डिग्री हासिल करने के बाद भी वहाँ के आकर्षित करियर को छोड़कर देश सेवा में को चुना। एक और गांधीवादी डॉक्टर टी एस सुंदरम जी ने भी इस संस्थान से शिक्षा ग्रहण की थी। डॉक्टर सुंदरम जी ने गांधी जी के पद चिन्ह पर चलते हुए तमिलनाडु में गांधीग्राम सुराला इंस्टीट्यूट एवं कस्तूरबा हॉस्पिटल की स्थापना की थी। आज मैं लेडी हार्डिंग को भी याद करना चाहूँगी, जिन्होंने महिलाओं के पीड़ा को दूर करने के उद्देश्य से इस संस्थान का शिलान्यास किया था। देवियों और सज्जनों, कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना जिस समर्पण और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, उसकी मानवता हमेशा ऋणी रहेगी। आज मेडिकल साइंस सिर्फ इलाज करने तक ही सीमित नहीं है, इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल रिल्म्स के बीच की खाई समाप्त हो रही है। सिंथेटिक बायोलॉजी में हो रही नए नए प्रयास, क्रिस्पर जीन एडिटिंग जैसे नई टेक्निक सदियों से बने हुई समस्याओं का हाल खोजने में मददगार साबित हो रही है। लेकिन इन टेक्निकों के दुरुपयोग का संकट भी बना हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपने प्रोफेशनल जीवन में नैतिकता और उच्च मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हुए वन हेल्थ की इंटीग्रेटेड अप्रोच से सभी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे। देवी और स्वजनों, किसी भी देश की चिकित्सा सुविधाओं का स्तर उस देश के विकास स्तर का सूचक होता है। कोई रिपोर्ट्स के अनुसार आज भी भारत में प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या आदर्श मानकों से कम है। देश की अधिकतम आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में होने के बावजूद भी हेल्थ केयर की सुविधाएं शहरी क्षेत्र में अधिक केंद्रित है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में मेडिकल एजुकेशन को व्यापक बनाने के अनेक प्रयास किए हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने और नई कॉलेज शुरू किए जाने जैसे कदम शामिल है। सरकार ने सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से देश के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। देवी और स्वजनों, डॉक्टर को हमारे समाज के लोग भगवान समझते हैं। आज अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए उसी को अनुकूल आचरण करें। आप सही अर्थों में एक सफल डॉक्टर या नर्स के तभी माने जाएंगे जो आप में पेशेवर दक्षता के साथ साथ करुणा, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य विद्यमान हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परोहित सरित धर्म नहीं भाई, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। आपको इसी बात को चरितार्थ करना है। एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के लिए एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है।
गांधी जी ने भी नॉलेज विदाउट करेक्टर और साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी को पाप बताया है। इसीलिए आपका प्राथमिक ध्येय धनोपार्जन नहीं बल्कि सर्विस बिफोर सेल्फ होना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज उपाधि प्राप्त कर रही सभी बेटियां जहां भी होंगे वहां एक्सेलेंस के नए मानक स्थापित करेंगे। मैं एक बार फिर सभी बेटियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूं। 107वें वर्षों की अद्वितीय सफर के लिए समस्त LHMC परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये संस्थान न केवल आने वाले वर्षों में भी जनता की सेवा करता रहेगा बल्कि अपने अनुभवों और कार्यों से देश के अन्य संस्थाओं को भी राह दिखाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से